फैसलाबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मुतबादल ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के मसाइल में इजाफा कर रखा है। मजीद तफसीलात बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम सरमा की आमद हुई है तो शहर के मुतदर रहायशी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और तवील बंदिश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से खसूसी तौर पर घरेलू सार्फीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरों पर खाना बनाना हो या दीगर घरेलू अमूर अंजाम देने हो तो उन्हें जो है वो अंजाम देने में शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है तो साथ ही जो मुतबादल ईंधन है उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि जब गैस नहीं आती तो मुतबादल ईंधन का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं, और मुतबादल ईंधन की अगर बात की जाए तो इनमें एलपीजी समेत जो दीगर ईंधन है जिनमें लकड़ी, कोयला और जो दीगर मुतबादल ईंधन है उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी कीमत अगर देखी जाए तो इस वक्त 200 से 230 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से जो है वो गैस फरोख की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किल का सामना है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, और उसके बावजूद हमें लोड शेडिंग के बावजूद 200 रुपये किलो एलपीजी, कोयला, लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर खरीदनी पड़ रही है। आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और हुकूमत को चाहिए लकड़ी, कोयला, एलपीजी की कीमतों में गौर करें, उनको कम करें, हर आदमी की पहुंच में हो, हर आदमी आसानी से अपना मसाइल हल कर सके। घर वाली गैस बिल्कुल नहीं सुबह टाइम आती, आम आदमी बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, घरों पे गैस ना होने की वजह से मुतबादल ईंधन का इस्तेमाल करने पर शहरी मजबूर है, और मुतालबा भी यही कर रहे हैं कि जो गैस की सप्लाई है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि इस वाले से शहरियों को जो दरपेश मसाइल हैं वो भी कम हो सकें। जी।